हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर में जो आप लोगों का जो सरफेस रहेगा वो कैसे ज़्यादा दूर तक, जो हमारा जो एसिडिक जो लावा रहेगा वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाएगा। फैल नहीं पाने के कारण में आप लोग का जो ऊपर का जो सरफेस रहेगा वो कैसे रहेगा, आप लोग का रफ प्रकार का रहेगा। ठीक, ऐसे आप लोगों को क्या रफ सरफेस दिखाई देगा। ये फैल नहीं पाने के कारण में, ठीक है। तो ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर जो है एसिडिक जो कंपोजिशन का जो लावा रहता है तो उसके द्वारा निर्मित होता है। तो जो हमारा जो एसिडिक कंपोजिशन का जो लावा है वो उसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा या तो श्यानता बहुत ज़्यादा होने के कारण में वो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है। तो फैल नहीं पाने के कारण में जो उसका सरफेस रहता है वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, रफ रहता है। ठीक है, रफ सरफेस रहने के कारण में, ठीक। तो इस प्रकार से जो रफ सरफेस वाला जो हमारा जो रॉक मिलेगा तो उसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर। अब इसमें आ स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ आप एक फनी वे में भी समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर का। जैसे आप लोग रफ सरफेस में चलेंगे तो आप लोगों के जो पैर हैं, खाली पैर से चलेंगे तो आप लोग कैसे गराहोगे, चिल्लाओगे कि आप लोग गाना गाओगे, नहीं ना। तो जब आप लोग क्या रफ सरफेस वाले रॉक से चलोगे खाली पैर, तब आप लोगों को कैसे वो चुभता हुआ लगेगा, चुभेगा तो आप लोगों के मुंह से क्या आवाज निकलेगा, आ आ। ठीक है, तो एक तो आप लोग जनरल इसका नॉर फनी वे में आप लोग याद रख सकते हो। तो इसी को कहा जाता है क्या, ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर या आ स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट नंबर का जो हमारा संरचना है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रॉपी लावा स्ट्रक्चर। या इसी को क्या कहा जाता है, पा होई होई स्ट्रक्चर। पा होई होई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रोपी लावा स्ट्रक्चर को दूसरे नाम से क्या नाम से जाना जाता है, पा होई होई स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है किस प्रकार के लावा से होगा, ऐसा लावा जो कि बेसिक कंपोजिशन का हो। ठीक, तो इसका निर्माण जो है बेसिक कंपोजिशन के लावा से होता है। तो ये जो बेसिक कंपोजिशन है तो इसका खासियत क्या होता है, इसमें लो विस्कोसिटी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, लो विस्कोसिटी पाया जाता है। अब लो विस्कोसिटी पाए जाने के कारण में ये क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में मतलब कि ग्रेट डिस्टेंस तक क्या हो सकता है ये फैल सकता है, बहुत ज्यादा दूरी तक क्या हो सकता है ये फैल सकता है। तो ये बहुत क्या क्षेत्र में फैल सकता है, बहुत ज्यादा दूरी तक क्या हो सकता है, इसका विस्तार हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि हमारा जैसे कि ये सरफेस हो गया, यहां से हमारा क्या आया, मैग्मा आया, जैसे सरफेस में गया लावा बन गया। अब यहाँ से ये क्या है, इसमें लो विस्कोसिटी है, इसके कारण से ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाएगा, इसको रुकने उकने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा, ये क्या करते जाएगा, फैलते जाएगा फैलते जाएगा। ठीक है, तो एक साइड से ये क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसमें हम लोग को इस नेचर के कारण में, फैलने के कारण में ये हमारा जो सरफेस रहेगा वो कैसे मिलेगा, हम लोग को स्मूथ सरफेस मिलता है, स्मूथ सरफेस मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अच्छे तरीके से फैल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम लोगों को क्या मिलता है, एक स्मूथ सरफेस मिलता है। तो ऐसे स्मूथ सरफेस वाले जो हमारा जो संरचना है जो रॉक में, तब इसी को कहा जाता है हम लोग का, या तो फ्लो है तो इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, रोपी लावा स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक, तो इसमें आप लोगों को जो सरफेस मिलेगा वो कैसे मिलेगा, बहुत चिकना मिलेगा। ठीक है,
अब चिकना सरफेस मिलेगा, तो जब आप लोग क्या चिकने सरफेस में चलोगे, तब आप लोग के मन में से मुंह से क्या निकलेगा, आ आ का आवाज निकलेगा कि आप लोग के मुंह से गाना निकलेगा, ठीक है? तो पा होई होई करके आप लोग के मुंह से क्या निकलेगा, गाना निकलेगा, ठीक? तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर और रोपी लावा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? तो रोपी लावा स्ट्रक्चर को पोहाहोई स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लोग को क्या बताना है कि इसका निर्माण जो है वो बेसिक संगठन के लावा से के ठंडा होने से बनता है। तो बेसिक जो लावा का जो संगठन रहने बेसिक संगठन होने के कारण इसमें लो विस्कोसिटी पाई जाती है। लो विस्कोसिटी पाई जाने के कारण में ऐसे जो लावा रहते हैं वो बहुत ज्यादा दूरी तक क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो ज्यादा दूरी तक फैलने के कारण में इसमें जो सरफेस बनता है वो कैसा बनता है, चिकना बनता है या तो स्मूथ बनता है। तो ऐसा जो सरफेस वाला जो आप लोगों को संरचना किसी रॉक में मिलता है, तब उसी को क्या कहा जाता है, हम लोग का रॉपी लावा स्ट्रक्चर कहा जाता है या पाहोई होई स्ट्रक्चर कहा जाता है।